और ये देखिए मैं सोयाबीन को उबाल रही हूँ, और ये देखिए मेरा सोयाबीन अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसको उतार रही हूँ मैं, और नीचे निकाल के अच्छी तरह से धो के तब आगे दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए मैं इसका सोयाबीन का अच्छी तरह से पानी निचोड़ के और इसमें डाल रही हूँ। एक कप दही डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्च पाउडर, मरी जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, आमचूर पाउडर। अब इसमें सोयाबीन डाल रही हूँ। लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ और अब कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। देखिए मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें सोया चंक डाल रही हूँ, सोया चंक डाल रही हूँ। देखिए सोया चंक मेरा तैयार है, अच्छी तरह से पक गया है। इसको मैं निकाल रही हूँ। चाट मसाला इस पर डाल रही हूँ टेस्टी लगने के लिए। और ये मेरा सोया चंक तैयार है सॉस के साथ।